क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये ना क्वांटाइजेशन का जो वर्ड है ना, ये आपने पहले शायद केमिस्ट्री के अंदर भी सुना होगा जरूर। क्वांटाइजेशन क्या, कहाँ सुना है? एनर्जी क्वांटाइजेशन तो नहीं सुना कि शेल की जी जो एनर्जी होती है -13.6 बाय एन स्क्वायर वो फिक्स्ड होती है और वो चेंज नहीं होती, हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, ऐसे ही कुछ करते हो? एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ऐसा ही है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस चार्ज के साथ, प्लीज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और मान लो ये न्यूट्रल है। मैंने क्या करना है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां से यहां शिफ्ट कर दिए, तो इसके ऊपर 10 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 10 का चार्ज पॉजिटिव। ठीक हो गया यहां तक? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जब इलेक्ट्रॉन निकाला, जब पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन किया तो इसके ऊपर इतना चार्ज आया, तो इसके ऊपर इतना चार्ज आया, जब दो किए तो इसके ऊपर इतना आ गया, जब तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो +3e -3e आया, और अगर n किया तो +ne और -ne आ गया। कोई डाउट इसमें? राइट। तो ऐसा हो सकता है कि चलो डेढ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, 1.5, नहीं, डेढ़ नहीं हो सकता, या तो एक होगा या दो करवा लो, डेढ़, ढाई, 3.5, 3/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। यही क्वांटाइजेशन है कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है और एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या वो दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे, या वो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, चार होगा, फ्रैक्शन में चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता। तो इसके ऊपर या तो चार्ज प्लस ऑफ एन ई है या फिर माइनस एन ई ही है। तो इस केस में चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर ए और बी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो फॉर फर्स्ट बॉडी जिसके पास डेफिशिएंसी है वो प्लस में, जिसके पास एक्सेस है वो नेगेटिव में। कोई डाउट इसमें? राइट। तो इसको लिखना कैसे, एनसीईआरटी में आएगा, मार्क कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक नंबर में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आएगा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लोगों को केमिस्ट्री से आदत होती है सर्टन मिनिमम चार्ज की जगह सर्टन मिनिमम एनर्जी लिखने की। मैं दिखा दूंगा जब टेस्ट होगा, ये क्वेश्चन पक्का डालूंगा टेस्ट के अंदर, मैं दिखाऊंगा जिस स्टूडेंट ने लिखा कि देखो मैंने 1000 बार बोलने के बाद भी वो लिखता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन। आप में से 2-3 अभी भी निकल आएंगे इतना बोलने के बाद भी, वो भूल जाएंगे कि चार्ज की क्वांटाइजेशन है, वो अभी भी सोचेंगे कि केमिस्ट्री की एनर्जी की क्वांटाइजेशन है। राइट। अगर चाहते हो कि वो पेपर यहां ना डिस्प्ले हो तो अंडरलाइन कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो है चार्ज की क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज ही ट्रांसफर होगा, एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट इसमें? अक्षत क्लियर है? सो इसको ऐसे लिखना है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹. कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? रिदम क्लियर है? कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्वांटाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ओनली, या क्वांटाइजेशन का रीजन क्या है, क्योंकि ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्रैक्शन, इंटेग्रल का मतलब फ्रैक्शन नहीं, इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ इंटेग्रल इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन में नहीं जा सकते। दिस इज रीजन फॉर क्वांटाइजेशन। क्या ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? चार्ज एडिटिव है, चार्ज को एड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर क्यू प्लस टू क्यू 3q, क्यू माइनस क्यू अगर हो तो वो जीरो चार्ज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन चार्ज में चलती है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान आगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपको ये क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो कैसे? तो मैंने कहा कि देख ये पॉजिटिव चार्ज है, एक स्टूडेंट बोलता है मैं इसको खत्म कर दूंगा, कैसे करूंगा, मैं इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दूंगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। सही है,
उसने कहा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एंड में ये भी कहा इन आइसोलेशन, आप चार्ज को खत्म कर सकते हो, न्यूट्रल कर सकते हो, आप किसी बॉडी को चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक नहीं आपको दो बॉडीज चाहिए। अगर आप ये कहो ये ए बॉडी न्यूट्रल है और मैं अगर ये कहूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, निकाल के फेंकेंगे हवा में, फेंकते फेंके जाएंगे, नहीं ये तो नहीं केमिस्ट्री होती, कहाँ कहाँ फेंकेंगे, किसी कंडक्टर में फेंकेंगे, किसी हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, किसी दूसरी बॉडी में जाएगा, और अगर आप किसी दूसरी बॉडी को यूज कर रहे हो तो आइसोलेशन नहीं है फिर, तो आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो, आपको क्रिएट करने के लिए कम से कम कितनी बॉडी चाहिए, दो। सिंगल बॉडी पे चार्ज ना तो लाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, दूसरी बॉडी की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में एक और आता है कि ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, मतलब या फिर ये भी आता है कि विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो दैट रिपल्शन इज ओनली टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्शन इज द ओनली टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब रिपल्शन से आप, रिपल्शन की फोर्स से आप ये बता सकते हो कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं समझ ना पाता कि मैंने क्या बोला, ठीक आपकी तरह कि क्या बोला, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम उल्टा करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज इसमें, सपोज एक रॉड है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है यहां तक, इसके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मान लो एक न्यूट्रल स्फीयर है, जैसे ये एक रॉड है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एक न्यूट्रल स्फीयर है। अभी अभी क्या डिस्कस किया कि अगर आप एक न्यूट्रल कंडक्टर को इसके सामने रखोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इंडक्शन, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एक कंडक्टर है, एक स्फीयर है, और नेगेटिवली चार्ज रॉड जब इस स्फीयर के सामने लेके आओगे तो उस केस में इंडक्शन हो जाएगी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है यहां तक? अब क्या होगा मुझे बताओ, नेगेटिवली चार्ज रॉड इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है अट्रैक्ट करेगी, तो इंडक्शन की हेल्प से, इंडक्शन की हेल्प से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, मानते हो इस चीज को? और जब वो चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इस पोर्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो पक्की बात है कि ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मानते हो इस चीज को, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओरिजिनली बताओ, मैंने आपको बस ये डायग्राम दिखा दिया और मैंने ये बता दिया कि दिखा कुछ नहीं रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं कि ये दो बॉडीज हैं और ये दोनों आपस में ना अट्रैक्ट कर रही हैं, तो बताओ इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप कहोगे सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन रियलिटी क्या थी कि इसके ऊपर ओवरऑल तो नेगेटिव था लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल अपना कोई चार्ज था ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन से एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो बॉडी एक्चुअल में न्यूट्रल थी या वो बॉडी एक्चुअल में चार्ज थी इसलिए अट्रैक्शन हुआ, आप ये बता नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया क्या डिफरेंस है? तो एक तो ये होता है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट पक्का करेंगे, पर इस केस में तो उल्टा है, इसमें तो ये भी हो सकता है, नहीं गलत भी नहीं है, ये हो भी सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज थी और दूसरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, तो आप दूसरी बॉडी की कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि क्या वो चार्ज थी या ओरिजिनली वो न्यूट्रल थी, नहीं मालूम। तो यही लिखा हुआ है, सम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, तो जैसे ये बॉडी ओरिजिनली क्या थी, न्यूट्रल थी, तो इसके ऊपर इस नेगेटिव ने क्या किया, इंडक्शन किया, इंडक्शन की हेल्प से ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि ये बॉडी ओरिजिनली चार्ज थी। अब उसी केस में सपोज करो, सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लो ये एक बॉडी है, और ये भी तो केस हो सकता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये ओरिजिनली पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल नहीं थी, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज देके भेजा, तो भी तो आपस में क्या कर रही है ये अट्रैक्ट, और जबकि इस केस में बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज, इस केस में इट वॉज न्यूट्रल। तो आप सिर्फ ये सुनते ही कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये बॉडी चार्ज थी या न्यूट्रल थी, कुछ भी केस पॉसिबल है। डन, यहां तक समझ में आया? इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। निखिल क्लियर है यहां तक? तो जब कोई बॉडी ये बोले या कोई स्टूडेंट अगर ये बोले कि ये एक रॉड दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो आप क्या आंसर दोगे? कि दूसरी बॉडी या तो चार्ज्ड है या दूसरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। और इसका और बढ़िया एग्जाम्पल भी याद आया मुझे, कई लोग शीशे के आगे बहुत अपना टाइम डिवोट करते हैं, बाल सेट, वो बाल करते हैं, कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं, और इतना कर लेते हैं उनके बाल सेट होना बंद हो जाते हैं, राइट? और वो खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बाल सबसे ज्यादा चार्ज का अफेक्ट बालों पे होता है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को टच भी करोगे, सबसे पहले हेयर के ऊपर अफेक्ट होता है। तो जब आप कॉम्ब करते हो, तो कॉम्ब बार 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 करे जा रहे हो, तो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, बालों के इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में से कॉम्ब में चले जाते हैं, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो बालों के ऊपर प्लस 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 चार्ज है, वापस में जुड़ नहीं पाते, वो रिपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक? बाल खड़े हो गए या ठीक तरह सेट नहीं हो रहे, फिर आप थोड़ा देर बाद देखोगे, दोपहर तक या दो तीन घंटे बाद, तो मेटल मोडल को टच टुच करोगे इधर उधर, तो चार्ज निकलेगा, तो जाके वो थोड़ा ठीक बैठेंगे, ठीक? फिर एक जादू भी करते छोटे होते, कॉम लिया, कागज लिया, और फिर वो चिपक गए, ये भी होता था। वो आज समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि वो कागज क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉम्ब कहां से चार्ज लेके आया, बालों से, वो चार्ज्ड है, और चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए वो अट्रैक्ट होते थे। सही टेक्निक है, जादू कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, कोई समझा नहीं पाएगा उस टाइम, क्योंकि इंडक्शन ही किसी को पता होती थी छोटी क्लास में, बट पॉइंट समझ में आया कैसे हुआ। फिर आप हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रक जा रहा है जिसमें कोई पेट्रोल या कोई बहुत बड़ा कंटेनर जा रहा है जिसमें आग लग सकती है, चेन्स लटकी होती हैं लंबी लंबी ट्रक के पीछे, चेन्स सड़क को टच करती हुई जा रही होती है, वो क्यों? ट्रक तेज चल रहा है, एयर के साथ फ्रिक्शन है, तो एयर के साथ फ्रिक्शन में चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, कि चार्ज डेवलप हो जाता है, वो पेट्रोल जो है वो बर्न हो सकता है, आग लग सकती है। तो चेन्स क्या करती हैं, चेन्स अर्थ के कॉन्टेक्ट में रहती हैं, अगर चार्ज डेवलप भी हो गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उसकी सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन चेन से होते हुए किसमें चले जाएंगे, अर्थ में, बिकॉज अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो चेन को भी न्यूट्रल कर लेगी, और चेन किसके साथ कनेक्टेड है, मेटल के, ट्रक के साथ कनेक्टेड, ट्रक भी न्यूट्रल रहेगा, आग नहीं लगेगी उसमें, तो इसलिए चेन्स लटका के उसको चलाया जाता है। लेकिन इतना नहीं होता, वो फ्रिक्शन, आग नीचे लगती है, वो ऊपर तक ट्रेवल नहीं कर सकती, पर चार्ज ज्यादा डेंजरस है जो उसमें डेवलप हो जाएगा सरफेस में। क्लियर है यहां तक? तो चार्ज का ये, हाँ, सम न्यूट्रल मतलब नहीं, नहीं ये सबके साथ तो नहीं लग सकता, जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, जो पकड़ नहीं पाते कोई सरफेस नहीं, जिनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, जो जा सकते हैं, ट्रांसफर उन्हीं के साथ पॉसिबल है, सिल्क हो गया, कागज हो गया, हर के साथ नहीं है, सारे कपड़े अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये नहीं है कोई चार्ज बॉडी ली बॉटल भी अट्रैक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ कुछ के साथ चलेगा, कुछ के साथ नहीं चलेगा। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? रिदम क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इन दो एग्जाम्पल से हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि ये बॉडी न्यूट्रल है या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन नॉट से बॉल इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसके लिए क्या किया, हम रिपल्शन की तरफ चलते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया, मैंने नहीं बताया ये कौन सा चार्ज है, पर मैंने ये बताया कि सामने कंडक्टर है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो आपने फटाफट बोल दिया कि इसके ऊपर पक्का नेगेटिव चार्ज है, तभी रिपल्शन हो रही है। तो मैंने कहा क्या पता इंडक्शन से हुआ हो, क्या पता ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, वो कहता न्यूट्रल हो ही नहीं सकता,
क्योंकि न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट होती है, रिपेल नहीं हो सकती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर ये रॉड है नेगेटिवली चार्ज और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी हमेशा इस तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करती है। अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। और इंडक्शन हो गई, इंडक्शन हमेशा क्या प्रोड्यूस कर सकती है? अट्रैक्शन। इसका मतलब जहां रिपल्शन वर्ड आ गया वहां बॉडी न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज हमेशा क्या होती हैं? अट्रैक्ट, रिपेल नहीं हो सकती। तो अगर रिपल्शन हुई इसका मतलब इस बॉडी का ओरिजिनली अपना कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी क्या हुई? रिपल्शन हुई। पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए अगर मैं ये बोलता हूं आज के बाद कि दो बॉडीज आपस में रिपेल हो रही हैं, तो गारंटेड है कि ये वाली बॉडी कभी भी अनचार्ज्ड या न्यूट्रल नहीं होगी, इस पे कोई ना कोई चार्ज तो होगा। अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो रिपल्शन से ही बताया जा सकता है कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं। अट्रैक्शन वर्ड से दो केस पॉसिबल है, या तो वो चार्ज है या फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। तो क्या आपको इंडक्शन का प्रोसेस समझ में आया? क्या है इंडक्शन का प्रोसेस? कोई डाउट इसमें? सो दिस इज इंडक्शन। क्लियर है? तो जितना लेक्चर अभी हमने किया